हाय एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स 2। मैथ्स 2 का अभी तक अपने कुछ स्टार्ट नहीं किया था, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में 11th स्टैंडर्ड में आपने काफी कुछ फॉर्मूलाज दिए होंगे होंगे ये फॉर्मूलाज जस्ट गो थ्रू ऑल दिस फॉर्मूलाज। ये तो ऑलरेडी वी हैव सीन इन 11th स्टैंडर्ड, बट इसके अलावा भी जो भी फॉर्मूला हाउ वी गोना यूज दिस, ये तो हम जब व्हेन आई बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स आई विल हेल्प यू आउट ये फॉर्मूलाज कैसे यूज होते हैं एंड क्या हो, बट दिस ऑल ऑल फॉर्मूलाज वी हैव ऑलरेडी सीन इन 11th स्टैंडर्ड। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, राइट। इसके अलावा दिस वाज द अनदर फॉर्मूलाज व्हेन डिफरेंशिएशन यू हैव टू टर्म्स प्लस और माइनस, तो इसका हाउ इट गोज, यू डिफरेंशिएट द फर्स्ट टर्म देन यू प्लस और माइनस डिफरेंशिएट द सेकंड टर्म। उसी तरह व्हेन द टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो हाउ यू डू इट इज यू को तो ऐसे ले लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो वी को, then take a v and differentiate u by dx. Similarly, you have u upon v ka formula. These all formulas we have seen in the 11th standard, so I'm not going in detail about this. Ek iske saath ye ek formula aa jayega dy by dx, jisko dy by du karenge aap, then you will continue it with du by dx, where u is in continuation with x, right? Ye kuch nahi hota, in numerator and denominators have been multiplied by u. Ye ek formula hai jo while solving the sums, we again gonna go through this formula. Same thing, ये first अपने जो formulas देखे उसी तरह ये भी आ गए, right? Now, looking at all these formulas, what we're gonna do is like we'll start solving the sums. Let's see the examples. इसमें क्या-क्या sums आ रहे हैं. One by one, we'll be start solving the sums, and once we start solving the sums, you'll know how to use these formulas and all. You have to remember these formulas, so by heart all these formulas, because this are going to use in the numericals. अगर आपको formulas याद नहीं रहेंगे तो आप numericals नहीं कर पाएंगे. Clear? By heart this formula and let's see how we are going to use these formulas in the while solving the sums. चलो, let's start solving the sums now. Okay, now let's have a look for the first sum where you have to differentiate the following with respect to x. The sum is given by y is equal to under root x square plus 5. ठीक है, अब x square plus 5 है and there are two ways of solving this. पहले तो अपन ये देख लेते थे formula which I have written over here. This is dy by dx, right? dy by dx is equal to dy by du into du by dx. अब इसमें क्या करना है? You have the y, you have the x. तो इसमें आप u क्या लेंगे? तो जो भी term x के साथ होता है, जो भी टर्म x के साथ होता है उसको तुम यू विल टेक इट एज u. तो इसमें आप u क्या लेंगे? दैट u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, आपने u क्या ले लिया? x स्क्वायर प्लस 5. नाउ अगर u को तुमने x स्क्वायर प्लस 5 ले लिया तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? दिस इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू अंडर रूट u. बराबर, आप लेट्स डिफरेंशिएट. पहले आपको क्या करना है? y को डिफरेंशिएट करना है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू u. तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट. व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, दिस विल बिकम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y आपका हो गया dy by du, राइट, बिकॉज़ y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, एंड यहां आपका आ गया डिफरेंशिएट ऑफ अंडर रूट ऑफ du बाय, सॉरी, डिफरेंशिएट ऑफ v अंडर रूट u बाय du. आपने अंडर रूट du ले लिया. क्लियर? पहले रिमेम्बर द फर्स्ट स्टेप इज x के साथ जो भी टर्म्स रहेगा उसको यू गोना टेक इट एज, ठीक है, इसको यू गोना टेक इट एज. ओके, नाउ व्हाट वी नीड इज लाइक व्हेनेवर वी हैव अ सम दैट y इज इक्वल टू समथिंग, उसमें आपको x के साथ जो है दैट यू हैव टू टेक इट एज u. वंस यू टेक दिस एज u, तो आपका x स्क्वायर प्लस 5 u हो गया. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? दिस इज योर u, y इज इक्वल टू अंडर रूट u. अब आपको डिफरेंशिएट करना है पहला फर्स्ट पार्ट dy / du, राइट. अब dy / du कर रहे हैं तो दिस विल बिकम dy / du, y आपका है अंडर रूट u. तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बिकम 1 / 2 रूट u, राइट, फॉर्मूला के हिसाब से x रूट x आपका हो रखा 1 / 2 रूट x, तो ये हो गया अपना 1 / 2 रूट u. बराबर, अब u क्या था आपका? u वाज
एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो ये आपका हो गया वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, क्लियर? ये आपका ये पार्ट हो गया आपका। अब यू हैव टू डू डी यू बाई डी एक्स, मतलब यू इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए आपको, राइट? यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आप ये लेंगे, तो ये आपका होगा डी यू बाई डी एक्स, राइट? डी यू बाई डी एक्स आपका यू क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन डी एक्स। अब डिफरेंशिएट आप करेंगे एक्स के साथ, तो डिफरेंशिएट ऑफ फाइव कुछ नहीं होगा, डिफरेंशिएट ऑफ फाइव विल बी जीरो, तो ये आपका डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर, यू सॉ इट, एक्स एक्स रेज टू एन, तो क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, तो आपका ये क्या हो जाएगा टू आपका आगे आ जाएगा, दिस विल बिकम टू एक्स, राइट? अभी आपका टू एक्स हो गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा dy by dx क्या है, dy by du, dy by du आपका क्या था, this is dy by du, तो आपका dy by du into du by dx आपका हो जाएगा dy by du आपका है 1 upon 2 root x square plus 5, right, into du by dx क्या है 2x, so this will become your 2x upon 2 square root of x square plus 5, राइट? तो ये आपके 2 2 कट हो गया, तो दिस बिकेम x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर? अब इसमें एक मेन पार्ट था, वो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वन, ये कैसा होता है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका सम खत्म हो गया है, राइट? दिस इज सम नॉट ओवर, नाउ लेट्स सी हाउ यू गोना डिफरेंशिएट दिस, दैट इज b x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स, राइट? तो आपका ये कैसे होगा, ये होगा आपका डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी इंटू फाइव अपॉन डी एक्स, बट दिस शुड बी इन रिस्पेक्ट विद एक्स, यहाँ एक्स है ही नहीं, जब भी यहाँ एक्स नहीं आएगा ये तो आप दूंगी नंबर, दिस विल बिकम जीरो, राइट? और ये जो है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ आप फॉर्मूला यूज करेंगे x रेज टू n, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n का होता है n x n माइनस वन, राइट? यहाँ पे आपका n क्या था 2, तो n इज 2, तो ये बिकम 2x, 2 रेज टू माइनस 1, 2 रेज टू माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया 2x ओनली, तो दिस बिकेम योर 2x, तो ये इसलिए आपका आंसर ये सिर्फ 2x आ गया है, राइट? तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व द सम। अब यहाँ पे यू हैव वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस सम, आई विल जस्ट रब दिस देन वी विल कंटिन्यू अनदर मेथड, ओके? नाउ कंटिन्यूइंग द सेम सम, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस सम विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर, राइट? y इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5, अब वी आर नॉट गोना यूज दिस फार्मूला, ये फार्मूला नहीं यूज करते, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते dy / dx से, dy by dx is on the part y by dx is equal to y of the k, the differentiation of under root x square plus 5 upon dx. Ab koi bhi term agar square root pe rahega to kya hota, 1 upon ye aapka ho jayega square root rahega to kya hota hai, you know it, yahan pe hum karte the dy by dx square root of x, ये क्या होता है आपका 1 upon 2 square root of x, right? मतलब कोई भी term square root में रहेगा तो 1 upon 2 और वो term minus है, तो ये आपका हो जाएगा 1 upon 2 square root of x square plus 5, clear? ये आपका पहला step clear है, कैसा हो गया वो, but ये आप कब use करते जब सिर्फ वहाँ x रहे, x के साथ और कुछ number या terms रहेगा, even if there is a number of the term, you go and differentiate that also. ये आपने जो differentiate किया that was only for the square root. Square root के नीचे का जो term था उसके लिए किया. अब ये square root के अंदर का जो term है उसको आपको differentiate करना है. That is x square plus 5. Clear? उसके अंदर का जो term था उसको differentiate करना बाकी है. अगर यहाँ सिर्फ x रहता तो ये खत्म हो जाता है. Right? But यहाँ x नहीं है. You have this number. x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट के नीचे x स्क्वायर प्लस 5 है तो आपको उसको भी डिफरेंशिएट करने का, आपने तो सिर्फ स्क्वायर रूट का अंडर रूट के स्क्वायर रूट का ऐसे ही आता 1 / 2 स्क्वायर रूट के नीचे तो
वो आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो हमने लास्ट समय में बताया था वो कैसा होगा, तो ये आपका होगा 1/2 √x² + 5 right? Into, इसका डिफरेंशिएट हमने आपको बता दिया था, that is 2x, right? That is 2x. अब वही आ जाएगा आपका 2 कट हो गया मल्टीप्लीकेशन का, तो now the answer is x/√x² + 5 समझे? So this is how you're going to do it. दोनों तरीके से आप जैसे भी करेंगे you'll have the same answer. Answer change नहीं होते हैं, whichever way you differentiate. चलो, now let's move on to the next sum. Okay, now the next sum you have y is equal to sin log x. अगर इस तरीके से आपको करना है dy by dx is equal to dy by du into du by dx, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x के साथ जो भी ये होता है नंबर या जो भी कुछ उसको यू टेक इट एज u. Now let's take that u is equal to log x, बराबर u को आपने log x ले लिया, तो y क्या हो गया आपका, y is sin u, clear? y आपका sin u हो गया. Now what you gonna do? You're gonna differentiate this dy by du, right? Differentiating y with respect to u. तो आपका y को ये करना है with respect to u. ठीक है, आपका हो गया. Now you have dy by du. What is your y in terms of u? That is sin u, right? Upon du. Clear? D by du sin u क्या होता है? Sin is d by du sin u will be cos u, right? अब ये आपका हो जाएगा cos u, right? d by du sin u becomes cos u. अब इसको क्या करना है आपको, now you have to solve this, right? du by dx, u क्या आपका log x, du by dx, you have to u in terms of x, that is u is your log x by dx, clear? So u to aapka log u, we are differentiating du by dx, u is your log u by dx, log u kya hoga 1/x, right? Formula hai d by dx log x is 1/x, theek hai? Ab now you have this, ये तो आपका हो गया cos u, पर याद रखना u क्या था आपका, u was log x, this will become cos log x, clear? Now dy by du क्या है, dy by du is cos log x into what is du by dx, 1/x, so 1/x को we'll take it as clear. So this is your final answer, that is cos log x upon x. Now let's try it in other way. दूसरा वैसे कैसे सॉल्व करेंगे? I'll just drop this, then we'll start the other way. Now let's see this. Y is equal to sin log x. We have to differentiate this in terms of x. So dy by dx, right? This will be d by dx. What is y? Y is sin log x, right? अब जब आप differentiate करेंगे तो आपको मालूम है ये formula d by dx, d by dx sin x is equal to cos x, right? ये formula जो आपने last time भी use करे थे, तो अब इसका क्या होगा? इसका d by dx sin, sin के साथ आपके पास कुछ number है, ये आपको हो जाएगा d by dx cos log x, clear? But हमने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आपका x था तो ये cos x पे खत्म हो गया, बट अगर आपके पास x के जगह और कुछ नंबर है या x के साथ और नंबर है या x का पावर है, कुछ भी x के साथ एसोसिएट रहा तो उसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. यहाँ आपके पास log x है, right? x नहीं है. What you wanna do? You wanna differentiate this d by dx log x,
है, ये आपका हो गया cos log x and log x is 1 upon x. तो वही हो गया आपका आंसर is cos log x upon x. क्लियर? Both the way we solve it and we got the same answer. तो सॉल्व किसी भी तरह आप कर सकते हैं एंड विल हैव द सेम आंसर. क्लियर? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म. ओके नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू 3 कॉस एक्स माइनस 2. अब इसके लिए आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स एक्स, राइट? ए रेज टू एक्स लॉग ए, राइट? दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला विच इज इन द फॉर्मूला विच आई हैव शोन यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. वो फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला ये था डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स. ए रेज टू एक्स है मतलब ए इज सम नंबर, ठीक है? कॉन्स्टेंट रेज टू एक्स मतलब एक्स के साथ कोई टर्म्स है. That will become ax into log a. Now, ye same as in this way. So, this will become dy by dx. Right? This is dy by dx after y. Y kya hai? Y is 5 raised to 3 cos x minus 2 upon dx. This is clear? Up. इसके हिसाब से क्या होगा? ax log a. ax log a तो आप क्या करेंगे? Okay, now using this formula, what we do is we'll have a over here, a is 5, right? X is all this term, that is 3 cos x minus 2 into log a is 5. Clear? But हमने आपको पहले भी बोला था, what I say is, जब भी आपके पास सिर्फ x रहा तो आपको यहाँ पे खत्म हो जाएगा. But you don't have x, you have this complete number 3 cos x. तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आगे नहीं बढ़ाने के लिए d by dx 3 cos x minus. Clear? अब what next? इसके बाद you have this 5 raised to 3 cos x minus 2. Then you have log x, log 5. Up. Iska differentiate 3 to aapka aake aa jayega, 3 different nahi hoga, right? 3 to aapka waise aaya. Cos x is minus sin x. Usko aap aise likh lete hain minus sin x. Right? And माइनस टू कर दो आपका जीरो आ जाएगा बिकॉज दैट इज ए कॉन्स्टेंट नंबर. तो अभी आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया माइनस 3 साइन एक्स इधर आ गया, राइट? ये तो पूरा टर्म वैसे ही आ गया इनटू 3 माइनस साइन एक्स. तो इसको यू टेक इन फ्रंट, ये आपका हो गया माइनस 3 साइन एक्स 5 रेशो 3 कॉस एक्स माइनस 2. क्लियर? ये आपका आंसर है. या यू कैन इवन टेक log 5 उसके आगे लेके कंसोल्व. क्लियर? द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू वांट टू लुक इज ax का तो आपको फार्मूला पता है, बट जब यहां सिर्फ x होता है दिस फार्मूला एंड हो गया. बट x के साथ अगर और कुछ टर्म्स है, कुछ नंबर्स है, कुछ भी है, तो वो डिफरेंशिएट. क्लियर? तो fx के आपको जो फार्मूलाज दिया है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं सेकंड फार्मूलाज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपोजिट फंक्शंस के हमने आपको बताए थे, ठीक है? तो उसमें अगर आप नहीं समझे तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अगर x है तो यू गोना यूज दिस, बट अगर x की जगह पे और कुछ टर्म्स है x के साथ में तो आपको उसको भी डिफरेंशिएट करना है. क्लियर? ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म. ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस टर्म. दिस इज आल्सो डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. आपके पास है y = 3, right? 3 upon 2x square minus 7 raised to 5, right? आपके पास ये है. अब you have this formula d by dx
वन अपॉन एक्स रेज टू एन, ठीक है, या आपके पास है वन अपॉन एक्स रेज टू एन, क्या आपका होता है माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन, क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखो, वन अपॉन एक्स रेज टू एन ए, अगर क्लियर में दिख रहा है तो एक्स रेज टू एन, राइट। अब यही फॉर्मूला आपको यूज करना है बिकॉज आपका डिनोमिनेटर में एक्स आ गया है। लेट्स नाउ डिफरेंशिएट दिस dy by dx, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यहां आपका हो गया d by dx, राइट, एंड हियर यू हैव 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, क्लियर? ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब 3 इसके साथ है, याद रखना, इधर 3 इज इन मल्टीपल या डिनोमिनेटर, अगर इसके साथ है तो 3 डिफरेंशिएट नहीं होगा बट 3 विल कम इन फ्रंट, 3 आगे आ जाएगा आपका, राइट, 1 अपॉन x, ठीक है, 1 अपॉन x रेज टू n, n आपका यहां 5 है, राइट, तो क्या हो गया माइनस n, मतलब n आपका 5 था तो ये हो गया माइनस 5 अपॉन x, तो आपका ये पूरा टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू एन प्लस वन, मतलब क्या हो गया 5 प्लस 1 जो होगा, ठीक है, as we have seen in previous sum, ये सिर्फ x के लिए है, यहाँ आपके पास x नहीं है, यहाँ आपके पास ये पूरा टर्म है, तो उसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे v by dx, रिकॉर्डिंग 2x स्क्वायर माइनस 7 क्लियर, क्योंकि इसको भी आप पूरा डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा नहीं क्या कर सी फाइव नहीं आएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे दिस विल गिव यू 4x, राइट, और ये आपका ऐसे आ गया दिस विल बिकम माइनस 15 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 नाउ दिस विल गिव यू minus 15 into 4 is minus 16x upon 2x squared minus 7 raised to 6. Clear? So this is the answer. Now, I just explained you, ye part differentiate kaisa hoga, d by dx, 2x squared minus 7 differentiate kaisa hoga. Now, iska differentiation, ye part ka jo apna 4x hai, wo apka kaisa differentiate hoga, let's look over here. d by dx से आपका 2x square minus 7, right? ये आपका हो जाएगा d by dx, right? 2x square minus d by dx 7. अब ये दो अलग अलग टर्म के लिए 7 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, तो अब आपका 2 है मल्टीपल में तो आपका 2 आगे आ जाएगा, राइट, and x raised to n d by d x raised to n क्या होता है आपका n x n minus 1 ये आपका formula d by d x raised to n is n x n minus 1 right, तो आपका x square ये 2 तो number है जैसे आपने 3 को आगे ले लिए थे right, इसके साथ जो number आता वो आगे चला आता है, when you have the different term ये देखो अलग टर्म आ गया, दो टर्म थे ये और ये, जब ये डिफरेंट टर्म में आपके पास माइनस सेवन ऐसा टर्म आता है तो वो जीरो हो जाता है यहाँ पे, राइट, बट अगर आपके पास ऐसा है तो ये टू आ गया है एंड एक्स स्क्वायर विल बिकम एन आपका एक्स से एन आपका टू है तो दिस विल बिकम टू एक्स, एन माइनस वन है टू, एन आपका टू है टू माइनस वन है वन, तो ये आपका इतना ही होगा दिस विल बिकम, राइट, एन आपका टू का टू माइनस वन इज वन, तो ये आपका वन है तो वन का अपनी पावर कितने भी क्या तो दस बिकेम फोर एक्स, अब ये फोर एक्स माइनस फिफ्टीन से नदी क्या होता है माइनस सिक्सटीन है एंड दस बिकेम टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन रेज टू सिक्स, क्लियर? ओके नाउ नेक्स्ट सम, ओके नाउ लेट्स लुक दिस, वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स रेज टू फाइव, ओके now this is x raised to 5, so
So let's differentiate this dy by dx, right? Y kya aapka y pura term log cos x raised to 5, right? Upon dx, d by dx, yo kya aapka log cos x raised to 5, here up. Now, इसमें इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेट्स स्टार्ट हो गया लॉग है लॉग के साथ कुछ टर्म है तो यू नो इट डी बाई डी एक्स लॉग एस एक्स इज वन अपॉन एक्स राइट सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यहाँ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं अपन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है अपना इट इज रिटन वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स हो गया आपका यहाँ पे x क्या है आपका cos x raised to 5 ये आपका हो गया dy by dx आपका हो गया dy by dx ये आपका हो गया 1 upon cos x raised to 5 बराबर बट हमने तो पहले बोला था मैंने तो x तो ये वाला अपन x होगा बट x की जगह पे आपके पास क्या था cos x raise to 5 रहा तो क्या करेंगे आप उसको उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x नहीं रहने की वजह से आपको आगे और इसको डिफरेंशिएट करना है cos x raise to 5 राइट ये तो आपका ऐसे ही आ गया बट cos x raise to 5 क्या है cos x का आपका क्या होता है d by dx cos x minus sin x cos x आपका क्या होगा minus sin x तो ये आपका क्या होगा minus sin x raise to 5 अभी भी x नहीं है आपका यहाँ पे x था ये sin x हो गया but x नहीं है x raise to 5 है तो आप क्या करेंगे तो भी आप differentiate करेंगे आप ये तो आपका ऐसे ही आ गया लेट्स टेक दिस माइनस साइन एक्स टू द 5 अपॉन cos एक्स टू द 5 डी बाय डी एक्स ये आपका क्या हो जाएगा आई राइट इट ओवर हियर डी बाय डी एक्स राइट एक्स रेज टू एन आपका क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन रेज टू एन माइनस वन तो ये आपका क्या हो गया 5x raised to 4 क्योंकि यहाँ मेन आपका क्या था 5 था क्लियर तो 5 रहने की वजह से क्या हो गया आपका 5 रहने से तो 5 आगे आ गया n माइनस 1 आपका हो गया 5 माइनस 1 4 अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan theta यो गेट tan x raise to 5 clear so this is your answer clear अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं you can take this minus 5 x raise to 4 and can even have it in this form tan x raised to 4 up आगे ले लो clear तो इसके पहले अपन we were saying वहां पे आपके पास दो स्टेप थे यहां आपके पास तीन स्टेप आ गए पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में आपने इसको डिफरेंशिएट किया एंड देन यहां पर स्टेप यहां पर आपने इसको डिफरेंशिएट किया एक ही सम में आपने तीन बार डिफरेंशिएट किया है ठीक है इसके पहले जो सम थे उसमें आप दो ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हां Let's have a look for one more sum जिसमें आप तीन बार differentiate करेंगे।